अब बात करते हैं 1989 में शुरू हुई राशि पेरिफेरल्स की। 2300 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली राशि पेरिफेरल्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों को पीसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक कार्ड, सीपीयूस, कीबोर्ड और दूसरी जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब कंपनी के ग्राहकों में असूस, डेल, एचपी, लिनोवो, एनवीडिया, इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आज हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से मौजूदा डिमांड ट्रेंड पर बात करेंगे, उनके एक्सपेंशन प्लान क्या है, आगे का ग्रोथ आउटलुक वो क्या देख रहे हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए वेलकम करते हैं हमारे शो में कंपनी के एमडी कपिल पंसारी और सीईओ राजेश गोयनका जी को। सर गुड आफ्टरनून, आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। कपिल जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ इंटरव्यू की शुरुआत करूंगी और पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको एनवीडिया पार्टनर नेटवर्क की तरफ से सबसे टॉप वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो पहले तो बधाइयाँ स्वीकार करिए। सर अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो बीता वित्त वर्ष है FY24, उसमें एनवीडिया के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके चैनल से आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा बिके हैं, और साथ ही हम ये समझना चाहेंगे कि अब गोइंग फॉरवर्ड इस वित्त वर्ष में क्या और SKUs ऐड करने की कोई योजना है, उस पर काम जारी है। जी सर, एनवीडिया के ना हम 20 साल से पार्टनर हैं, हमने उनको 20 साल पहले इंडिया में हम उनके साथ में लेके आए, उनके प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड को हमने मार्केट किया। तो एनवीडिया सर उस वक्त बनाती थी GPU ग्राफिक कार्ड्स बनाती थी जो गेमिंग PC में लगती थी। उसके बाद में हमने उनके साथ में चालू किया प्रोफेशनल ग्राफिक कार्ड, जो वर्क स्टेशन में जो डिज़ाइन के लिए जो काम लगते हैं वो हमने किए। और अभी जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो है उनके GPU सर्वर रिलेटेड AI ग्राफिक कार्ड्स, वो वाले प्रोडक्ट्स हम भारी मात्रा में अभी करंटली बेच रहे हैं। ये है हमारे रिलेटेड टू एनवीडिया। सेकेंड, हमारी ग्रोथ फेज के अंदर हम जो नए प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान में एम्बेडेड बिजनेस जो सेमीकंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं वो प्रोडक्ट एक्सपांड कर रहे हैं। दूसरी बड़ी कैटेगरी है हमारी विजुअल्स की, जहाँ पे लार्ज फॉर्मेट डिस्प्लेस जो बड़े बड़े मॉनिटर्स होते हैं, डिजिटल मॉनिटर्स होते हैं, साइनेजेस में काम आते हैं, हर रेलवे, एयरपोर्ट्स, एडुकेशन, रिटेल के जगह पे आपके डिस्प्लेस जो बदलते जा रहे हैं वो हम एक्सपांड करेंगे। और तीसरा है हमारा कैटेगरी डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया है August 2023 में, सो डेटा सेंटर की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। हालांकि इसके अलावा भी हम 51 ब्रांच ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री है जिसको हम अभी भी कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहे हैं फॉर मोर पेनेट्रेशन भारत के देश में, और ये सारा सपोर्टेड है हमारा SAP के साथ, सो ग्रोथ में कोई आनी-कानी नहीं है। राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहला हमने देखा कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर तो हमारे पीछे है, लेकिन आप जरा बताइए कि इस पूरे वित्त वर्ष के लिए आपका रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट क्या रहेगा सर? नेहा जी, जैसे हमने हमारे IPO के टाइम पे भी बोला था कि लास्ट 20 साल का जो हमारा CAGR है वो करीब 23% का है, और दूसरा जो हमारा ICT इंडस्ट्री है, अगर थर्ड पार्टी कोई भी रिपोर्ट देखें तो वो डबल डिजिट ग्रोथ एनहांस करते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली मार्केट के साथ, जो मार्केट की जो ग्रोथ है उसके साथ तो चलेंगे, लेकिन हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ाते चलते हैं, तो इसलिए हमारा हायर डबल डिजिट का प्लान है और उस लाइन पे हम लोग अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। ऑलराइट सर, कपिल सर, अब हम आपसे ज़रा समझना चाहेंगे कि हमें अभी पता चला कि NMDC डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से आपको कुछ परचेज ऑर्डर्स वर्थ 1500 करोड़ के आसपास मिले हैं। सर आप एलैबोरेट कर पाएंगे एग्जैक्टली ये ऑर्डर क्या है और इसकी और डिटेल्स? ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड ऑलमोस्ट द फर्स्ट AI क्लाउड डेटा सेंटर है जो बॉम्बे के पास में ही बन रहा है, और इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमने राशि पेरिफेरल्स ने विन किया है, और इसमें हम लोग असूस के सर्वर्स सप्लाई कर रहे हैं, और असूस के सर्वर्स में जो मेन कंपोनेंट है वो एनवीडिया के GPUs हैं। ये करीब 1500 करोड़ का ऑर्डर है जो हम इस फाइनेंशियल ईयर में अभी व्हाइल वी स्पीक वी आर एग्जीक्यूटिंग, द एग्जीक्यूशन इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ। ओके कपिल सर, ये सवाल आपके लिए है, कंपनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ और यहाँ पर ब्रांड से बात कर रही है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर ICT प्रोडक्ट्स, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि
इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह का टारगेट है सर? सो ये जो टारगेट है, राजेश ने भी अभी बताया कि हमारा 15-20% तक का हमारा ग्रोथ प्रोजेक्टरी हमारी हमें हर साल रहती है। अगर डबल डिजिट की ग्रोथ है इंडस्ट्री की, तो जाहिर है कि उससे ज़्यादा ग्रोथ हमें करनी है। थोड़े कुछ हमने जो नए प्रोडक्ट्स की अगर एक बात करें, तो विजुअल्स के बारे में जो मैंने पहले कहा था, उसमें एक ब्रांड है व्यूसोनिक। 2 साल पहले हमने LG के साथ टाई अप किया था उस कैटेगरी में, और अभी हमने टाई अप किया व्यूसोनिक। ये दोनों कंपनी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 ब्रांड्स हैं जिसके अंदर ये लार्ज फॉर्मेट डिस्प्लेस बिकते हैं। ऑलराइट, अच्छा राजेश सर, मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि कंपनी ने जो अपने लोकेशंस हैं 680 से बढ़ाकर 705 किए हैं। सर, इस वित्त वर्ष के अंत तक का क्या टारगेट है सर? सो राशि पेरिफेरल्स का डीएनए है टू मेक आईटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इसीलिए हमारे पास आज 50 ब्रांच है और हमारे पास 700 सिटीज में हम लोग डायरेक्ट बिलिंग करते हैं। तो हमारा ये डीएनए ही है कि हम ब्रेथ में और प्रेजेंस अवेलेबिलिटी बढ़ाते जाए। तो ये क्वार्टर वॉर क्वार्टर हमारा ये इंक्रीज हो सकता है, बट एट द सेम टाइम कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। बट जनरली स्पीकिंग, अगेन यहाँ पे भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टनर कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सिटी कवरेज। ऑलराइट, राजेश सर, कपिल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से कंपनी की पूरी योजनाएं, उसका आउटलुक और प्लान्स दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन आर शो। चलिए इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।